हेलो नमस्ते दोस्तों, आज जिवा हेल्प किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सूजी का केक ऐसे बनाया जाता है घर में आसानी से, उसकी विधि बताती हूँ। तो सूजी का केक बनाने के लिए ये मैंने सूजी ली है, ये मैंने चीनी ली है, ये मैंने बारीक पीसी है चीनी को मिक्सी में, ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है और ये बेकिंग पाउडर लिया है और ये दूध लिया है, ये वनीला एसेंस लिया है। तो मैंने जितना बेकिंग पाउडर लिया है उससे आधा मैंने बेकिंग सोडा लिया है। तो सबसे पहले हम लोग पेस्ट बनाएंगे। तो ये मैंने कटोरा लिया है, अब इसमें हम लोग सूजी डालेंगे। अगर आपको ज्यादा बनाना है केक तो आप ज्यादा सूजी ले सकते हैं। तो ये मैंने चीनी डाली है। दोस्तों मैंने जितनी सूजी ली थी उससे थोड़ी सी ज्यादा मैंने चीनी ली है। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे दोनों को, सूजी और चीनी को। अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। आपको एक साथ नहीं डालना है दूध, अगर आप डालेंगे तो हमारा पेस्ट पतला हो जाएगा और ये अच्छा नहीं बनेगा केक सूजी का। तो हम लोगों ने इसमें दूध डाल दिया है, इसको बिल्कुल हम लोग बारीक, इसको बिल्कुल पतला नहीं किया हम लोग। तो अब इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही फेंटते रहेंगे। अब इसमें हम लोग बेकिंग पाउडर डालेंगे, ये बेकिंग सोडा डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। हम लोग जितना अपने केक के पेस्ट को जितना हम लोग घुमाएंगे उतना ही केक का पेस्ट सॉफ्ट बनेगा और स्पंजी बनेगा। इसको अच्छे से फेंटना है जिससे हमारा केक बहुत ही स्पंजी बने और खाने में भी बहुत टेस्टी लगे। ये केक हमारा अच्छे से फिट चुका है। अब इसमें हम लोग वनीला एसेंस डालेंगे, इससे हम लोगों की सूजी के केक की बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये केक हमारा अच्छे से हम लोगों ने इसको फेंट लिया। अब इसको हम लोग 15 मिनट के लिए रखेंगे, जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल जाएगी। तो ये मैंने केक को रखने के लिए कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम लोगों ने पहले वाला जो हम लोगों ने यूज़ किया था नमक वही डाला है। तो अब इसको हम लोग 15 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, जिससे हमारा केक अच्छे से, हमारी केक की कढ़ाई अच्छे से पक सके। ये मैं तो पेस्ट को हम लोगों को रखे, 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको एक और बार मिक्स करेंगे अच्छे से। ये पेस्ट हमारा तैयार है। ये सूजी का केक बनाने के लिए मैंने ये कटोरा लिया, इसमें मैंने थोड़ा घी डाला। अब इसको अच्छे से पूरा फैला देंगे जिससे हमारी सूजी का केक चिपके नहीं। इसको पूरे साइड से फैलाना है। ये हमारा अच्छे से घी लग चुका है। अब इसमें हम लोग सूजी के पेस्ट को डालेंगे। अगर आप इस तरीके से सूजी का केक बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में भी, और मार्केट से भी अच्छा बनेगा केक। तो मैंने ये कढ़ाई हमारी 15 मिनट हो चुके हैं। कढ़ाई में मैंने स्टैंड भी रख दिया। अगर आपके पास स्टैंड नहीं हो अवेलेबल तो आप इसके नीचे कटोरी भी रख सकते हैं, प्लेट भी रख सकते हैं उल्टा करके। तो ये हमारे स्टैंड भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम लोग केक रखेंगे। अब इसको हम लोग 30 मिनट के बाद ही देखेंगे। इसको 30 मिनट के लिए ढक के रखेंगे और बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। देख सकते हैं हमारा केक अच्छे से फूल चुका है। इसको बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे और ये अभी थोड़ी देर के लिए इसको बीच से पकाएंगे।
तो ये देख सकते हैं हमारा केक कितने अच्छे से पका हुआ है। अब इसको ये बीच से नहीं पकाए तो इसको बीच से थोड़ा और पकाएंगे, इसको 5 मिनट के लिए और ऐसे ही ढक के पकाएंगे। तो ये हमारा केक बन चुका है। अब हम लोग गैस बंद करेंगे और इसको 15 मिनट के लिए रखेंगे, जिससे हम लोगों का केक अच्छे से स्पंजी हो सके। इसको 15 मिनट रख के ही, इसको 15 मिनट ढक के रखना है हम लोगों को, जिससे ठंडा हो सके और इसको हम लोग आसानी से निकाल सके। इसमें जल्दी नहीं करनी है, अब इसको ढक के रखेंगे 15 मिनट के लिए। अब इसको सर्व करेंगे, हमारे 15 मिनट हो चुके हैं तो अब हम लोग इसको निकालेंगे। तो हमारा सूजी का केक तैयार है, बहुत ही स्पंजी बना है। तो अभी इसको हम लोग काटेंगे बीच से। तो देख सकते हैं हमारा सूजी का केक तैयार है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप ऐसे केक बनाएंगे तो आप बाजार के केक से भी बहुत अच्छा बनेगा। तो हमारी सूजी की सिंपल तरीके से केक की रेसिपी आपको कैसे लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, और आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। तो और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।